स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलिपाइंस को कल दे रहा है 19 अप्रैल। ये है खबर। हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये सबमरीन शिप फाइटर जेट और से लॉन्च किया जा सकता है। ये मेरा ख्याल है सारी बातें कुछ ना, वो इंडिया की तरफ चला गया, वो इधर चला गया, इधर उसने जाना उधर ही जाना ना भाई, इधर उसे नजर आएगा मुझे कोई फायदा है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को जा रहा है। हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे। ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर खत्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर किस तरह बात करेंगे? बात है रशियन मेड लेकिन अमरीका साइलेंट है, लेकिन अमेरिका साइलेंट है। आपकी हुकूमत भी चाहती है इंडिया से हमारे साथ भी बात होते हैं, नहीं चाहती है ये। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक की दिक्कत, पब्लिक की राय बड़ी मुख्तलिफ। अच्छा, पब्लिक कहती है सारे इकट्ठे होकर उनका चुनाव। अब आपको पता है कि फिलिपाइंस जो है और इंडिया की जो फिलिपाइंस एंड अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप है। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के लिए, उधर मेडिसिन आती है तो वो आती है बिल्कुल वो एक्सपायर हो गई आती है, तो कोई हमारे कोई ऑनेस्ट आ भी जाए, कोई ईमानदार कोई ऑफिसर आ भी जाए तो वो चाहता है कि वो यूज़ ना हो, लेकिन उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाई जान हमने इसको रिपोर्ट देनी है, इसको हमने इसके पूरा करना है अपने कागजात में। यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, अगर आप अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। तो लेकिन चार दफा हमने इंडिया से जंग कर ली तो क्या हासिल किया? हम हर दफा इलेक्शन जीत जाते और जंग आ जाती तो वो फिर मेडिसिन यूज हो रही है। अगर ये एनिमल पे हो रहा है तो मतलब ह्यूमन बीइंग का भी सेम ही हाल जी है जी। इसी तरह ये हमारा ना एक हमें वो आटा खिला दिया था जो कहा था कि समुंदर के अंदर गिरा दें। भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलिपाइंस को कल दे रहा है 19 अप्रैल को। ये है खबर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये सबमरीन शिप फाइटर जेट और से लॉन्च किया जा सकता है। ये आपको पता होगा कि ये इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोलते हैं और रशिया जो है उन्होंने ये मिल के ये ब्रह्मोस एरोस्पेस में ये बना। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मोस है टेक्निकली अगर इसकी थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं ना एटमोलॉजी में जाए सॉरी एपिस्टमोलॉजी में जाए फ्रॉम वेयर दिस ऑल केम, ये बेसिकली ये दो नाम है दरियाओं के, ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्कवा जो रशिया के दो दरिया हैं, ठीक है जी, ये उनको वहाँ से इन्होंने ये नाम ड्रा किया है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ये जब एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस पर भी बात करनी है और आपसे ये भी बात करनी है कि किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी
स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टीयर सिक्योरिटी पार्टनर है। बात कर रहे हैं ईरान का और इसराइल का कंफ्लिक्ट चल रहा है, पूरी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही है। पहले ईरान की तरफ से खबर आ रही थी कि मतलब अटैक किया इसराइल के ऊपर, और अब उन्होंने स्ट्राइक बैक किया है। कहना ये है वेस्टर्न मीडिया का, इसराइल का ये कहना कि हमने बदला ले लिया है तेहरान मिलिट्री एयरबेस के ऊपर अटैक करके, लेकिन वो इस चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं ईरान वाले कि नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या ये बेहतर हो रहा है, ईरान ने जो किया वो बेहतर है? बेसिकली पहली बात तो ये कि लोगों को पता होना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट है किस वजह से। ठीक है, उस कॉन्फ्लिक्ट का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आज तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 5 महीने हो चुके हैं, ज्यादा इसे थोड़े 6 मंथ हो चुके हैं कि फलस्तीन पे जो इसराइल है वो अटैक कर रहा है, उनके एक टेरिटरी है। ठीक है, हमास ने अटैक किया और फिर उसके उसको बाद तो बहाना बनाया गया ना, प्ली लेके वहां से उस पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो इशू चल रहा है वो 6 माह हो गए, वो चल रहा है उसके। अब माशाल्लाह से तकरीबन मुसलमानों की आबादी इस टाइम तकरीबन पूरी दुनिया में तकरीबन 3 अरब के लगभग है। ठीक है, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनमें से किसी ने भी इवन के सब आगे कह देते हैं कि यार बहुत बुरा हो रहा है, मुजामत करते हैं ये वो। और ईरान में चूंकि वो कहा जाता है कि जी बहुत एंटी इसराइल है, ठीक है, और बड़े अरसे से उन पे प्रेशर था कि कुछ कर नहीं रहे, उनको अब ख्याल आया बैठे बैठे कि यार फेस सेविंग करें, और सुना है कि 300 के लगभग उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। ठीक है, और जब 2-3 दिन पहले उन्होंने ये किया था, उसका ही बदला, जो उसका बदला आप देखे ना, उसका बदला लिया गया है। और आप कितने लोग वहाँ पे, कितनी कैजुअलिटीज हुई है वहाँ पे? नहीं कोई भी नहीं, एक ही शायद खबर थी, वो भी नहीं हुई होगी, हमें क्या पता। ठीक है, इसराइल में भी कोई कैजुअलिटी मेरे ख्याल से कोई डेथ वगैरह नहीं काउंट की गई वहाँ पे, हो गया। और मेरा ख्याल तो यही है कि जहाँ तक मेरी ओपिनियन है कि मतलब इस सारे ईरान भी फेस सेविंग कर रहा है। ठीक है, ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो मैं चाह रहा था इस पे बात हो। अब ये जो कहा जा रहा है कि $450 $375 million जो है इसकी ये डील है, और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंस नहीं है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द चैलेंजेस व्हिच इंडिया हैज, एक तरफ पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन्स, 6 लाख की फौज, इंडिया हैज अ कन्वेंशनल सुपरियोरिटी ओवर पाकिस्तान, बट इट्स अ वेरी सीरियस चैलेंज फॉर इंडिया। मतलब उनको पता है कि ये एक ऐसी फौज है, जब अगर लड़ाई होती है तो मतलब दे कैन गिव अस अ टफ टाइम इन एयर सी लैंड। चाइना भी उधर है। सो इन दोनों दो बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए, और दोनों न्यूक्लियर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए, और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।